क्या हुआ पापा, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं अभिषेक, पापा खाना लग गया है, दादाजी आपको बुला रहे। बेटा उनको बोलो अभी आ रहा हूँ। जी रागिनी। बेटा छत पे मेरा कुर्ता पजामा सूख रहा है, वो मुझे लाके दे दो। जी अभी लाई। सोरा सोरा प्लीज ऐसा कुछ मत करना। सोरा सोरा मत, सोरा सोरा तूने ये क्या किया? किसी ने देख लिया तो? रागिनी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी ने देखा या नहीं देखा, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम्हें अर्जेंटली कुछ कहना है। सोरा समझो, हम तुमसे बात नहीं कर सकते, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम वापस चली जा। दादी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी, तुम जाओ। रागिनी प्लीज रुको, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। सोरा नहीं, सोरा समझो, कल जो कुछ भी हो उस बात को लेकर मेरी फैमिली बहुत हर्ट है और मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं देख सकती, और सोरा तुम्हारे साथ भी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और मैं नहीं चाहती कल जो कुछ भी हो दोबारा कभी भी हो, इसलिए मेरी बात सुनो और वापस चली जाओ। हम इस दुश्मनी का कारण नहीं ढूंढ पाएंगे, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं रागिनी, क्योंकि उसकी वजह मुझे मिल गई है। रागिनी इस दुश्मनी से अलग भी एक रिश्ता है हमारा। रागिनी हम दोनों बहनें हैं, शेखर अंकल मेरे भी पापा हैं। तुम क्या कह रही हो? ट्रस्ट मी रागिनी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज खुद माँ को शेखर अंकल से ये बात कहते हुए सुना है। शेखर अंकल ने भी इस बात पे विश्वास नहीं किया, पर मैं जानती हूँ कि माँ इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकती। माँ और शेखर अंकल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, और फिर मेरी माँ की जिंदगी में वो इंसान आए जिन्हें मैं अब तक मेरे बाबा समझती रही, और शेखर अंकल की जिंदगी में मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ आई। बस करो स्वरा, हमारी माँ ने किसी की जगह नहीं ली, हमारी माँ ने बहुत मेहनत करके इस घर में, इस घर के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सॉरी रागिनी, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। बस स्वरा, मेरा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। नहीं स्वरा, अब हम बात नहीं करेंगे। रागिनी मुझे प्लीज एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी माँ गलत थी, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी से पहले शेखर अंकल और मेरी माँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रागिनी ये हो रहा है छत पे तब से। दादी स्वरा तुम जाओ, स्वरा जाओ। इतना बखत काय लग रहा है? माँ और शेखर अंकल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा,
रागिनी, क्या कर रही है छोरी? ध्यान कठे थारा, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। जा कपड़े बदल, सोने की तैयारी कर। जल्दी चल, क्लास के लिए लेट हो रही है। प्रियंका तू जा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। चल ठीक है, बाय। आजा जल्दी। थैंक गॉड आ गई, जाकर उससे बात करती हूँ। रागिनी, नजरें नीची करके सीधे क्लास में जा और वहां छोरियों के साथ गप्पे मत मारने लगना। जा। रागिनी की दादी तो उसे चिपकी रहती है, मुझे कैसे भी करके रागिनी से अकेले में बात करनी होगी। माँ और शेखर अंकल को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मुझे जानना ही होगा।